दास जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे साथी हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे सांसद और हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज संकल्प पत्र आप सबके सामने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिन बातों के लिए कमिटेड है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जिन बातों के लिए कमिटेड है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि असम प्रदेश जो आज से 5 वर्ष पूर्व एक तरीके से स्थूल पड़ गया था और स्थूल के साथ साथ समस्याओं का निराकरण की न इच्छा शक्ति थी न निराकरण करने की ताकत थी, ऐसे में समस्याओं का जमावड़ा बढ़ा हुआ था। उन समस्याओं के समाधान को गति देने का काम पिछले 5 साल में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट सर्वानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है और एक तरीके से एक अथक प्रयास टायरलेसली वर्किंग अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सपोर्टेड बाय हिम एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह एंड बींग इम्प्लीमेंटेड बाय सर्वानंद सोनोवाल जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी और रंजीत दास जी एट द ग्रास रूट लेवल, वी हैव बीन एबल टू गिव अ पुश टू द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ असम एज ए होल। सामूहिकता में विकास हो इसके प्रति एक उत्थान एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने का की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली तो हमारा उद्देश्य रहा जाति माटी और भेटी, इन सब को स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। नाउ आई कैन से दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव गेन्ड मोमेंटम ऑफ डेवलपमेंट, एक विकास का मोमेंटम, एक गति आई है एंड नाउ वी आर स्टैंड फॉर ए बिग लीप, एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले 5 साल को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस, जड़मूल स्थूल अवस्था से बढ़ते हुए गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। देयर मेनी इश्यूज एज आई सेड दैट द डेवलपमेंट हैज बीन इंक्लूसिव एंड विल रिमेन इंक्लूसिव, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र।
फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सके और वो विकास की एक नई कहानी लिखे। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे, फिर साइंटिफिक तरीके से चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वॉयर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहां पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर पर्पजेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके, इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके, इस बात का पहला प्रयास होगा। उसी तरीके से हमारे यहां जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सके, ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या 1700 एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे। यह हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये हम इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांसमेंट और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसको भी हम देने वाले हैं और हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनके लिए हम 8th class ऑनवर्ड्स बाइसिकल देंगे ताकि हम ड्रॉपआउट्स भी रोक सकें और उनको हम मेन मुख्य धारा में ला सकें, इस तरीके का हमारा कमिटमेंट है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहां जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई तो हमारा कमिटमेंट यह है कि हम असम के राइट्स के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसको हम उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम असम का रहे, अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से
एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इसी तरीके से असम को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम असम आहार आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को हम चलाएंगे, योजना को हम चलाएंगे, और इसके तहत सेल्फ सफिशिएंट अहम बन सके, सेल्फ सफिशिएंट आसाम बन सके, इसके लिए हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर हम प्लानिंग करके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग के तहत, इस कमिटमेंट के तहत, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, पोल्ट्री का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, पिगरीज का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हर क्षेत्र को हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे और हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। यह हमारा सेवंथ कमिटमेंट होगा। हमारा एट्थ कमिटमेंट होगा कि हम यूथ को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से का ख्याल रखेंगे, और उसके लिए कमिटमेंट है हमारा कि असम विल बिकम द फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर स्टेट इन द कंट्री। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे, और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है, और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है, जिसको हम अगेन बोथ एट द मैक्रो लेवल एंड एट द माइक्रो लेवल द प्लानिंग विल बी डन इन डिटेल एंड सो दैट वी गो फॉरवर्ड विद दिस कमिटमेंट, और इसको हम पूरा करें, पूरा कर सके। 2 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी 1 साल के अंदर, 30 मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, और साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी, उसके प्रावधान किए जाएंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके का हम व्यवस्था करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए हम लोगों ने ली है, वो है एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को बढ़ावा देना, और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण बनाना, और वातावरण के साथ साथ उनको आर्थिक सहूलियत दे करके उनको सबलीकरण करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको खड़ा करना, यह हमारा उद्देश्य होगा। और इसलिए एंटरप्रेन्योर्स विल बी सपोर्टेड बाय स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना, और इसमें लगभग 2 लाख लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे स्कीम के तहत नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम 10 लाख लोगों को, 2 लाख पीपल यूथ इन एवरी ईयर, सो दैट 10 लाख पीपल इन 5 ईयर्स वी आर एबल टू स्ट्रेंथन देम, और उनको एंटरप्रेन्योर्स के रूप में हम एस्टैब्लिश कर सकें। यह हमारा काम होगा जिसको हम करने वाले हैं। एक हमारा कमिटमेंट और है, दैट इज द 10th कमिटमेंट, और वो हमारा संकल्प है कि हम लैंडलेस को, हम ऑल सिटीजन्स को हम एम्पावर करेंगे लैंड राइट्स के साथ, ताकि हम उनको पट्टा दे करके उनको हम डेवलपमेंट कर सकें, और उसके साथ साथ लैंडलेस को, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको हम जमीन का पट्टा मलकियत दे सकें, उनको हम मलकियत के राइट्स दे सकें। ये काम हम करने वाले हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे 10 संकल्प हैं, जो हमारा एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसको आपसे मैंने शेयर किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में बाकी सारी चीजें डिटेल्स में हैं, जिसको आप देखेंगे, लेकिन जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें कनेक्टिविटी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ, उसमें विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसमें कनकलता सबलीकरण योजना, ये सारी छोटी बड़ी योजनाओं का को स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी होगी। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ रेल्स, वी स्टैंड कमिटेड दैट
नॉट ओनली असम, होल नॉर्थ ईस्ट ब्रॉडगेज से जोड़ा जाएगा, जोरों से उस पर काम चल रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, वी टॉक अबाउट एयर कनेक्टिविटी. 14 रूट्स को हम एयर कनेक्टिविटी में जोड़ रहे हैं. उसी तरीके से हम वाटर कनेक्टिविटी, और हमारे वाटर कनेक्टिविटी के दृष्टि से जो हमारे रिवर्स हैं उनके द्वारा हम कैसे कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सके, उसका एनहांसमेंट चल रहा है. रोड कनेक्टिविटी की मैंने आपको बात बताई ही. मैं असम घूम रहा हूं, आम घूम रहा हूं, हमारे लोग बताते हैं कि यहां से वहां जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होता है. ये कनेक्टिविटी का इतना फर्क पड़ गया है. नेशनल हाईवेज बिल्डअप हो रही हैं, अरुणाचल तक सीधे सड़कें बन रही हैं, असम के की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में काम चल रहा है. 5 ईयर्स में 6 ब्रिजेस, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का काम हुआ है. इसी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं. तो कनेक्टिविटी का विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, हेल्थ का विषय हो, हेल्थ में पिछले 5 साल में आई एम हैप्पी टू शेयर एज बीइंग द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड बाय द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो दिया ही, 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन गिवन.